हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल के दौर में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया काफी ज्यादा फैल रहा है और ये सारी ही चीजें एक मच्छर के काटने की वजह से होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारी चीजों से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? चलिए आइए आज जानते हैं कुछ ऐसे आसान से तरीके जो आपको मच्छर के काटने से भी बचा सकते हैं और आपको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए सही तरीके से शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि चिकनगुनिया या फिर मलेरिया या फिर डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, रात में नहीं काटता है और ये ज्यादातर हमारी बॉडी के हार्ड पार्ट्स पर काटता है, यानी कि कोहनी के पिछले हिस्से पर या फिर हमारे घुटने के पिछले हिस्से पर, हमारी गर्दन पर या फिर हमारे लोअर बैक पर, ऐसी जगह पर ये ज्यादा काटता है और इसी की वजह से संक्रमण और इनका वायरस हमारे शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सफाई। अपने घर में और अपने आसपास भी अगर आप सफाई पर ध्यान देते हैं तो ये सबसे पहला कदम होगा मच्छरों को अपने आप से दूर रखने के लिए। कहीं पर भी गंदगी मत फैलने दीजिए, क्योंकि जहां गंदगी होगी वहां मच्छर भी जरूर आएंगे। इसी के साथ साथ पानी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं यानी कि पी रहे हैं, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप किस तरीके का पानी पी रहे हैं। पानी को स्वच्छ रखने के लिए पानी को उबाल कर पिएं। ऐसा करने से आपको मलेरिया या फिर डेंगू से बचने की काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। आप जो भी सब्जियां बाजार से खरीद रहे हैं उन्हें हमेशा वॉश करके ही इस्तेमाल करें। इसी के साथ साथ जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी बॉडी पर कोई ऐसा लोशन या फिर कोई ऐसी क्रीम जरूर लगाएं जो आपको मच्छरों से बचा सके। सो दोस्तों, ये है आसान से तरीके मलेरिया और मच्छर के काटने से बचने के लिए। इन्हें जरूर अपने ध्यान में रखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।